नमस्कार, आपका अपना घर जैसे खाना किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपली इंस्टेंट जो बन जाए 5-10 मिनट में कस्टर्ड। और उसके लिए आप कोई भी कंपनी का कस्टर्ड लीजिए और 1 लीटर दूध हमने यहाँ पे लिया है, गैस पे चढ़ा दिया। ये पहले से ही हमारा पका हुआ मलाई निकला दूध है, तो हमने 1 लीटर दूध लिया है और थोड़ा दूध पका के ठंडा करके ये हमने अलग से निकाला हुआ है। और इसमें 1 लीटर दूध में हम ये 100 ग्राम शक्कर मिलाएंगे और इसको मीडियम आँच पे पकने देंगे, गर्म होने देंगे, क्योंकि ये बॉयल तो हो चुका, मलाई भी निकल चुकी है हमारी। तो ये हमारा दूध तैयार है और बस इसको गर्म होने देना है। अब इस ठंडे दूध में हमें, जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक हम ये बड़े स्पून से 1 लीटर दूध है उसमें हम ये 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। 2 और ये देखिए, ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला था ये ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये हमारा दूध लगभग गर्म हो गया है। देखिए ये लिक्विड तैयार हो गया है। अब हम इस गर्म दूध में ये हमारा जो मिल्क हमने रेडी किया है कस्टर्ड पाउडर का, वो हम इस शक्कर मिले हुए दूध में मिलाएंगे और से अगर आपका 1 लीटर दूध है तो उसमें आपको 3 बड़े चम्मच लेने हैं कस्टर्ड पाउडर। अगर आपका 1/2 लीटर दूध है तो 1.5 चम्मच लेना है और वो आपके ऊपर है कि आप कितना गाढ़ा, मतलब थिक और थिन पसंद करते हैं, उस हिसाब से आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए उस हिसाब से आप कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसको हमें कंटिन्यू धीरे धीरे चलाते रहना है, हाथ रोकना नहीं है। अगर आप हाथ रोकेंगे तो इसमें लंच पड़ जाएंगे, छोटी छोटी गांठें जो कि स्वाद को ख़राब करती हैं। तो इसको कंटिन्यू हमें दूध को चलाते रहना है और स्लो गैस पे ही पकाना है, हमें गैस फास्ट नहीं करनी, तेज़ नहीं करनी है। और हाँ, अगर इसमें आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना है तो आप कोई भी फ्रूट, मिक्स फ्रूट भी डाल सकते हैं और कोई स्पेशल फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट है, इसी समय आप कस्टर्ड डाल सकते हैं। तो फिर आपका वो फ्रूट कस्टर्ड या फिर आपका ड्राई फ्रूट कस्टर्ड, मतलब जो आप फ्लेवर डालेंगे, जो फ्रूट डालेंगे वो कस्टर्ड बन जाएगा, नहीं तो ये सिंपल कस्टर्ड है जो फटाफट बन जाते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे हमारा कस्टर्ड तैयार होता जा रहा है और जब थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे। तो कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है, हाथ को 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना है। अगर हाथ रोक दिया तो आपकी इसमें कस्टर्ड में गांठे पड़ जाएंगे। देखिए ये हमारा, मुझे इतना ही ठीक चाहिए क्योंकि अभी मैं इसको ठंडा करूँगी, क्योंकि गर्म तो खाएंगे नहीं बच्चे, और अभी मैं ठंडा करूँगी इसको तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे अभी इतने ही पे गैस बंद करनी है और इसमें ध्यान रखना है आपको कि थोड़ी थोड़ी ये कम से कम इसको 5 मिनट तक आपको पकाना है कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद। हल्के से इसमें फटके पड़ने लगे तभी आपको गैस बंद करनी है, नहीं तो इसमें हल्के कच्चेपन का कचाइन जैसे आती है वो आएगी। अब लगभग हमें पकाते पकाते 7 से 8 मिनट हो रहा है। तो ये देखिए बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं,
तो अब हमारा ये बबल्स आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका ये कस्टर्ड परफेक्ट बन गया। हम बराबर चलाते रहे थे तो इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ा है, तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। इसमें अगर आपको ड्राई फ्रूट फ्रूट जो भी डालना है आप अभी भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो गरम गरम खाइए और आप चाहें तो ठंडा करके खाइए। तो आपको जैसे भी हो वैसे पसंद हो वैसे खाइए। तो बच्चों को तो पसंद आएगा ही, आशा है बड़े और बड़ों को भी पसंद आएगा। तो आप खाइए और कमेंट करिए कैसा लगा, और हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारी जो नया मैं बनाऊँ वो आपको मिल जाए। सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।